नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और इस वक्त मैं खड़ी हूं ना विधानमंडल के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के आक्रोश को लेकर किस तरह से जो है प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं विधानमंडल के बाहर जो प्रशासन है, पुलिस है, वो लगातार अपनी बंदूकें राइफल लेकर मुस्तैद है, क्योंकि विधायक अभी भी अंदर जा रहे हैं और अंदर से बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार जो है बिहार सरकार पर हमलावार नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार उनकी बात नहीं मानते हैं तो 2024 में प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, 2025 में वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। तो लगातार नियोजित शिक्षकों का आक्रोश है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में और लगातार लाखों की संख्या में गर्दनी बाग में जो है नियोजित शिक्षक उपस्थित हुए हैं। शिक्षक संघ के तमाम लोग वहाँ मौजूद हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे विधायक आ रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक अपनी मांग पर अटल है, अड़िग है और उनकी मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए बिना परीक्षा लिए और बीपीएससी से वो कोई परीक्षा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी बिना परीक्षा लिए। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया नीतीश कुमार को, कह लीजिए कि एक तरह से धमकी ही दे दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो 2024 में प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, 2025 में वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे बिहार के। तो आप देख सकते हैं बिहार में नियोजित शिक्षक किस तरह से बिहार सरकार पर आक्रोशित है और किस तरह से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। और आज जो है बड़े पैमाने पर जो है नियोजित शिक्षक अपने प्रदर्शन पर अड़िग हैं और अपनी मांगों पर लेकर वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं।